2019 के लोकसभा चुनाव में भले ही भाजपा की जीत की लहर रही हो, बावजूद इसके पार्टी मध्य प्रदेश में बीजेपी पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा की सीट को फतह करने में नाकाम रही थी। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 29 में से 28 सीटें जीती थी, बस यही छिंदवाड़ा की सीट रह गई थी। कांग्रेस की इस मजबूत किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी छिंदवाड़ा की सीट पर जीत का परचम फहराने के लिए पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा जता सकती है। बता दें, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ है। इस सीट पर साल 1992 से कांग्रेस लगातार जीतती आ रही है। इन 72 सालों में बीजेपी को महज एक बार यहां से जीत मिली है। उपचुनाव में सुंदरलाल पटवा ने कमलनाथ को हराया था और सुंदरलाल पटवा महज एक साल के लिए सांसद रहे। उसके बाद कांग्रेस का ही कब्जा इस सीट पर रहा। वर्तमान में पूर्व सीएम कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ यहां से सांसद हैं। वहीं इस सीट पर कमलनाथ, उनकी पत्नी अलका नाथ भी सांसद रह चुके हैं। राम मंदिर की लहर हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर, बावजूद बीजेपी इस सीट पर विजयी नहीं हो सकी। साल 2014 के चुनाव में भी बीजेपी ने प्रदेश की 29 सीटों में से 27 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि साल 2019 के चुनाव में 29 सीटों में से 28 सीटों पर बीजेपी विजयी हुई, लेकिन छिंदवाड़ा की सीट नहीं जीत सकी। राजनीति के जानकारों का कहना है कि कांग्रेस के इस गढ़ को भेदने के लिए बीजेपी रणनीति बनाने में जुट चुकी है। माना जा रहा है कि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर बीजेपी पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा जता सकती है। अगर ऐसा होता है तो 20 साल बाद एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगे। वहीं छिंदवाड़ा सीट का गठन साल 1992 में हुआ। पहले चुनाव में यहां से कांग्रेस के रायचंद भाई शाह विजय हुए। साल 2019 लोकसभा चुनाव में कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ यहां से सांसद चुने गए थे।